रखा था उससे भी नीचे आए हुए हैं नौ शेयर, तब तो बचा ही नहीं होगा, स्टॉप लॉस लग गया होगा। नहीं रखा था स्टॉप लॉस, क्या स्टॉप लॉस रखा नहीं था, एक मन में सोचा में था। टारगेट रखा था कि इससे नीचे जाएगा तो निकल जाएंगे, लेकिन फिर निकाले नहीं। क्यों क्यों नहीं निकाले, क्यों नहीं निकाले, मन में रखा था स्टॉप लॉस। देखिए अभी होल्ड, हम तो यानी ट्रेडर नहीं है, निवेशक है, तो फिर क्या चिंता आपको, प्लान करते हैं। ठीक है चलिए जवाब ले लेते हैं गौरव एक एक करके। बीएससी इन्होंने रखा है 715 के भाव पे, इसको क्या होल्ड करें अभी भी? देखिए हमने अपने क्लाइंट्स को भी सुझाया था, हमारे स्टॉप लॉसेस हो गए तो हमने अपने क्लाइंट्स को भी कहा आप एग्जिट कर लीजिए, स्ट्रक्चर से काफी अच्छा था और इस पे अपने वीकली चार्ट्स पे एटीएन मूविंग एवरेज, एटीएन एक्सपेंशन मूविंग एवरेज के नीचे जनरली क्लोज दिया नहीं था दो साल से, तो लग रहा था कि यहाँ पे अच्छा मोमेंटम आ जाएगा, आया नहीं है। यहाँ पे आपको दिक्कतें रहेंगी जब तक स्टॉक 600 के ऊपर क्लोज नहीं करेगा, इसका जो बायस है वो वीक ही रहेगा। अब यहाँ पे अगर मैं इनको स्टॉप लॉस सुझाऊं भी सही तो एक मुझे रैंडम देना होगा, तो मुझे लगता है कि 470-475 ये जो लेवल्स है ये आपके लिए एक बार स्टॉप लॉस के लिए कर सकते हैं। अब ये रखते हैं स्टॉप लॉस वो अलग बात है, पर 470-475 ये आपके लिए स्टॉप लॉस जो मैं आपको सुझा सकता हूँ, इसके नीचे अगर गया तो एक बार एग्जिट कीजिए, मेरे हिसाब से वो बेहतर होगा। और टाटा एलेक्साई जिसमें इन्होंने मन में स्टॉप लॉस, अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे भी ऊपरी लेवल्स पे काफी बड़े डाइवर्जेंसेस थे और जो करेक्शन आया है 10,000 से 6,000 तक हो गया है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट करेक्शन आईटी स्पेस में, तो मैं समझता हूँ काफी स्ट्रक्चर्स में डैमेज ऊपरी लेवल्स पे हुआ है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो मेजर सपोर्ट्स अभी आएंगे, अगर मैं वापस वही बात करूँ तो वो आपको आएंगे 5,400 के, यहाँ से 10% करीब नीचे, तो वो आप स्टॉप लॉस रखिए, उसके नीचे कर गया था एग्जिट कीजिए। ओके तो ये स्थिति बन रही है और मन में स्टॉप लॉस मत लगाइए, अगर सचमुच मन में लगा रहे हैं तो फिर एक्चुअली लगाइए, मन में लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन अब चूंकि इतना नुकसान है तो फिर होल्ड करके रखिए, देखिए क्या इसमें स्थिति बनती है। गौरव।